La 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 la. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वाटर पूल। से कैसे बनाते हैं इस वीडियो में देखेंगे। पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, देख लीजिए आप। इन चीज़ों को मैं साइड में रख देता हूँ। साइड में रखने के बाद सारी चीज़ों को हम ये मोटर की देख सकते हैं। ये ऐसा ही मोटर आपको लेना है और एक पाइप बिल्कुल ऐसी ही ले लेनी है। आप पीवीसी का पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसका ही यूज़ करूँगा। आपको ऐसे रख के मार्क करना है। आपको बड़ी सावधानी से मार्क करना है जहाँ पर मोटर का शाख है, वहीं तक मार्क करके हम उसे कट करेंगे। पहले अच्छी मार्क लगा देता हूँ, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। मैंने पेपर कटर की मदद से इसे कट कर दिया। आप पेपर कटर में इसे कट कीजिए और ये देखिए मैंने इसे कट करके रख दिया साइड में। अब हम पर यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहाँ पर मैं पेपर कटर का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं छोटा सा कट लगा दूँगा। मैं काट देता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाऊँगा कैसे काटना है। अभी वैसा ही काटिए। देखिए मैं हैक्सो ब्लेड से काट दिया, ये देखिए मैंने काट कर लग के दिया है, देख सकते हैं मैंने अलग कर दिया है। सैंड पेपर ले रहा हूँ, सैंड पेपर की मदद से हम दोनों को घिस लेंगे। दोनों को घिसने के बाद हम इन दोनों को मैं मेजरमेंट कर ले रहा हूँ कौन सा किस टाइम किस पार्ट का है। मैं अच्छी तरह से मिल कर रहा हूँ, आप मेजर कीजिएगा वरना मार्क कर दीजिएगा कौन सा। मैंने मार्क नहीं किया इसीलिए इतना प्रॉब्लम दिखा रहा है, वरना अच्छा काम कर रहा हूँ। ये को मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक पाइप लूँगा, छोटा सा पाइप जो हम लगाने वाले हैं। अब मैं उसी पाइप का एक सीट लूँगा। पाइप में यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करके इसे मैं कट कर दूँगा। पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं मार्कर से सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी की कर दीजिएगा। मैं अच्छी तरीके से सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अब से हम कट करने वाले हैं। मैं इसे कट कर रहा हूँ एक बड़े से लोहे काटने वाला यंत्र से, इसे क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। मैंने इसे कट कर दिया है। मैं इसे गोल सही काट करूँगा, उसके बाद इसे सैंड पेपर की मदद से मैं घिस लूँगा। ये कट होने ही वाला है, ये हो गया। छोटा सा पीस मैंने कट कर लिया और थोड़ा सा कट करने के बाद ये अच्छी तरीके से कट हो जाएगा। ये देखिए मैं इसे कट करके सेंटर पर की मदद से घिस दे रहा हूँ। आप भी वैसे ही घिस दीजिए, अच्छी तरीके से घिसना है। ऊपर सब तरफ से घिस देना है अच्छे से, जैसे ग्लू चिपक के पता नहीं चिपकेगा। देख सकते हैं मैंने इसे घिस लिया है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। मैं ये ऊपर का ढक्कन मैंने बना लिया है और मुझे तीन ढक्कन चाहिए। इसे मैं पहले इस पाइप को यहाँ पर लगाने के लिए लगाऊंगा मैं। उसके बाद इसके लिए हम ये रॉड ले रहे हैं, इसे गर्म करके यहाँ पर होल्ड कर देंगे। उसके बाद ये पाइप हम लगाएंगे। यहाँ पर मैं होल्ड करके लाता हूँ, उसके बाद दो जगह पर, उसके बाद हम यहाँ पर पाइप लगाएंगे। ये देखिए मैंने हॉल करके ले आया हूँ, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से मैंने हॉल कर दिया है। अब यहाँ पर ये पाइप जो हम लगाएंगे ये बहुत आसानी के साथ यहाँ पर लग जाएगा।
हम सुपर ग्लू का यूज़ करेंगे चिपकाने के लिए। पहले इसे मैं चिपका लेता हूँ, उसके बाद पाइप को मैं चिपकाऊँगा। देखिए मैं सुपर ग्लू डाल कर अच्छी तरीके से मैं चिपका रहा हूँ। सुपर ग्लू की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से सुपर ग्लू दे। उसके बाद मैं इसका ऊपर वाला ढक्कन में लगा रहा हूँ अच्छी तरीके से टाइटली। अच्छी तरीके से टाइटली लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो निकला हुआ पार्ट है हमें सुपर ग्लू की मदद से काट देना है। कैसे काटना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको कट लगाना है। ये देखिए मैंने वैसे ही कट लगा लिया है आपको यहाँ। और वैसे इसके बाद इसे मैं घिस रहा हूँ, मैंने इसे अच्छे तरीके से सैंड पेपर की मदद से घिस रहा हूँ। अभी घिस दीजिए, ये सैंड पेपर की मदद से मैं अच्छे तरीके से मैं घिस के साफ कर लिया। उसके अंदर भी मैंने साफ कर लिया। इस पाइप को मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। इस पाइप को मैं यहाँ पर लगा के सुपर ग्लू दे दूँगा। उसके बाद ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगा, बाद में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए मैं इसे सुपर ग्लू के मदद चिपका लिया है और थोड़ा सा आटा भी दे दिया है मजबूती के लिए। देख सकते हैं मैंने घिस लिया है। ये पाइप को मैं कट कर रहा हूँ कैंची की मदद से। अब इसे मैं दूसरी तरफ लगा रहा हूँ, बढ़िया सेंस से साथ लग जाता है। देख सकते हैं मैंने जिस चीज़ से ऑन किया उससे आसानी से लग जाता है। देखिए मैं इसे तैयार कर लिया है। अब इसे मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ मार्कर से सर्कल। 2 सर्कल में मार्क कर लूँगा, उसके बाद मैं कट करूँगा। इससे मैं 2 सर्कल ड्रॉ कर लिया है, जैसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए मैं लिख लिया, इसे कट कर देते हैं। ये देखिए कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है हमेशा, और थोड़ा सा हम कट कर लेंगे राउंड शेप में। ये देखिए मैंने एक को राउंड शेप में कट कर लिया है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसे घिस देंगे। ये देखिए जिम काट लिया, जिसको मैंने दूसरा भी कर लिया है। अब मैं सुपर ग्लू देकर इसे चिपका दूंगा। बहुत आसानी से चिपक जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, छूटेगा भी नहीं आसानी से। मैं इसे चिपका दे रहा हूँ, इसे अच्छे तरीके से चिपका देंगे। और जो ज़्यादा निकला हुआ है हम पेपर कटिंग की मदद से काट देंगे। देख सकते हैं मैंने काट लिया है, कुछ इस तरीके से काट रहा हूँ। आप भी काट लीजिए, तो हम इसे सैंड पेपर से घिस लेंगे। पेपर क्लिक मेरे से बहुत आसानी से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देख सकते हैं इसे सैंड पेपर की मदद से घिस रहा हूँ, इसे आटा के मदद से कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर एक होल करने वाला हूँ, यहाँ पर साइड पर। अब इसे लेते हैं और उसे यहाँ पर लगाएंगे मोटर के साथ। इसके लिए यहाँ पर एक होल करना ज़रूरी है, पहले हम इसे होल मोटर के शाफ्ट के अनुसार हम होल कर लेंगे इस रोड से। देखिए मैं यहाँ पर होल कर लिया है, ये छोटा सा होल किया मैंने तार निकालने के लिए, ये बड़ा वाला मोटर के शाफ्ट लगाने। आप देख सकते हैं मैंने जिस चीज़ से किया है वो आसानी से होल हो जाता है, एकदम मोटर के शाफ्ट के सही होता है।
मैंने पुराना पेंच को गर्म करके यहाँ पर हल किया है, आप भी वैसे ही यूज कीजिए, हो जाएगा आपके पास होता। और मेरे मोटर को मैं दो सिरे को यहाँ पर बाहर निकाल रहा हूँ, पहला सिरा निकाल लिया, दूसरे भी निकाल लिया, तो आप उसे अंदर खींच लेंगे। देखिए और उसे यहाँ पर बिल्कुल की मदद से निकाल रहा हूँ, पहले क्या करेंगे, एक जो सुपर ग्लू है उसे हम मोटर के साथ में दे देंगे। मोटर ध्यान के मोटर के साफ्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसके साइड में देंगे वरना आपका मोटर जाम हो जाएगा। तो देखिए एक ऐसे ऐसे लगा दे रहा हूँ, अब वैसे ही लगा दीजिए। अब देख सकते हैं मैंने इसे चिपका लिया, बहुत आसान चिप जाता है। मैंने आपको बोल दिया आटा देखे मैं मौजूद कर रहा हूँ, थोड़ा सा हिल डुल रहा है, तो को देखे चिपका लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे, उसके बाद हम दे देंगे मजबूती और लेगा, ज़्यादा मत दीजिएगा, बहुत मोटर जाम होने के बाद आपको निकालने में बहुत दिक्कत होगी। पहले थोड़ा सा दीजिएगा, उसके बाद मोटर को रोटेट करके और थोड़ा सा देगा कि लगा दीजिएगा। देख सकते हैं मैंने इसे वहाँ पर ऐसे लगा दे रहा हूँ, हम यहाँ पर सुपर ग्लू दे के अच्छा अच्छी तरीके से चिपका देंगे। मैं तार को सीधा कर लिया हूँ, बाहर निकल के उसे अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं सुपर ग्लू डालकर। मैंने इसे यहाँ पर सुपर ग्लू डालकर आटा दे के इसे अच्छी तरीके से चिपका लिया, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर रहा हूँ। ये देखिए फोटो क्लिक में देखो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लिया है और थोड़ा सा फोटो में डाल देता हूँ मजबूती के लिए। उसके बाद हम इसे साइड पर की मदद से घीच देंगे कुछ इस तरीके से, होता आसानी से घीच जाएगा। अब देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, अब कुछ इस तरीके के पाइप लेंगे, वायरिंग पाइप इसे कट कर लेंगे हम। देखिए मैंने इसे कट कर लिया है थोड़ा सा पीस, उसके बाद इसे मैं फैला लिया हूँ। और ये छोटा सा ढक्कन लेंगे जो कोलगेट का है, उसे हम मार्क लगाएंगे। मार्कर के मदद से मैं इसे मार्क लगा दे रहा हूँ, आप भी लगा दीजिएगा अच्छी तरीके से मार्क लगाएगा। उसके बाद मैं इसे कंची से मदद से कट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर एक होल करेंगे हम, होल करने के लिए आपको ऐसा चीज ले आना है किताब के दुकान पर, आपको ऐसा मिल जाएगा, नहीं मिला तो आप कांटे से निकल दीजिएगा। मुझे मिला था, मैं किताब दुकान में गया था और ऐसा एक लेके आ गया। अब देखिए होल करके यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, नहीं लग रहा, थोड़ा सा छोटा होल गया और थोड़ा सा बड़ा होल करके मैं लगा दे रहा हूँ। मैं जैसे लगा आप वैसे ही लगाइए, फिक्स मत कीजिएगा, और भी काम बाकी है। अब हम क्या करेंगे, उसको प्रोपेलर बनाएंगे, इन कटे हुए पार्ट से हम प्रोपेलर बना देंगे। इसे कैंची में जैसे छोटा छोटा करके काट लेंगे, दो हिस्से में फिर एक टुकड़े में दो हिस्से में कट कर लेंगे। जैसे छोटा छोटा पीस कट करना है आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं देखेंगे, जैसे छोटा छोटा पीस कट कर रहा है, जैसे आपको छोटे छोटे पीस कट करना है। मैंने मार्क नहीं लगाया, जैसे ही अपने अंदाज के अनुसार कट किया है, आप चाहे तो मार्क लगा सकते हैं। ये छोटा छोटा पीस कट करना है, ये थोड़ा सा बड़ा आ गया, उसे और छोटा सा काट देंगे।
काटने के बाद हम दूसरी जो पार्ट है हम वहाँ को खा देंगे सुपर ग्लू की मदद से। थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मैं कट कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं कट कर दिया हूँ। अब जो हम यहाँ पर सुपर ग्लू लेके चिपका लेंगे। ये देखिए मुझे चिपका रहा हूँ, चार पीस लगाएंगे, मैंने पांच कट कर लिए हैं, अब ज़्यादा हो रहा है, चार पीस लगाएंगे, पांच नहीं लगाएंगे। इसे मैं अच्छी तरीके से लगा रहा हूँ, आप ये सही लगा दीजिएगा। देखिए मैं इसे कितनी अच्छी तरीके से लगा रहा हूँ। प्रोपेलर को आप बहुत मजबूती के साथ बनाइएगा, वरना ये टूट जा सकते हैं, आपको बाद में परेशानी होगी वाटर पंप बनाने के बाद अंदर पर फंस जाएगा, इसलिए मजबूती देना जरूरी है। मजबूती देखिए मैं चार पीस लगाया हूँ, पांच पीस कट कर लिया था, जिसे एक ज़्यादा हो रहा था इसलिए कट कर लिया है। ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसे ऊपर के काट कर रहे हैं, ज़्यादा मत लगाएगा, पांच चार पीस लगाएगा। जो मैं और थोड़ा सा ये डाल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, इस पर ही सारा काम टिका हुआ है, इसीलिए ये तो मजबूत नहीं होगा तो सारा टूट तो बिखर जाएगा और हमारा मेहनत भी बेकार जाएगा। अच्छी तरीके से टूट दे दीजिए, ये देखिए थोड़ा सा हिल रहा है, अच्छी तरीके से टेरिंग स्टेप पर बैटरी से चेक करने वाले हैं जो मोटर घूमता है या नहीं। देखें मैंने जैसे ही लगाया तो मोटर घूमना स्टार्ट हो गया है, अब देखते हैं। तो आपको दिखाई नहीं देखा होगा, मैं इस प्रॉब्लम को लगा के आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, इसे लगा के आपको ये देखें नीचे लगा के घुमा के आपको दिखा लिया है। अब इसे यहाँ पर लगाएंगे हम, उसे की इसे लगाने वाले हैं गणेश प्रॉब्लम लगा के इसे चिपकाएंगे। ये देखिए मोटर घूम रहा है, चाहिए इसे प्रो लोग देखे, इसे अच्छी तरीके से चिपका देता हूँ। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास वाला बेल आइकन को भी जरूर ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ऐसा मुझे वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, हम इतने मेहनत पर वीडियो बनाते हैं, आप लाइक नहीं करते और दुख तो दुख आता है, कभी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। देखिए मैं चिपर को लेकर आटा लेकर इसे अच्छी तरह से चिपका दे रहा हूँ, अब जैसे ही चिपका रहिएगा आटा देने पर इसकी मजबूती 100 गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आटा हाथ पे लग गया तो बहुत मुश्किल होगा छुड़ाने में। अब मैं इसे सेंड करता हूँ, इसे अच्छी तरीके से घीच दूँगा, घीचने के बाद यहाँ आटा होकर तैयार होगा। पहले से घी देखें सेंटर करके मदद से, पहले से हम चिटी से घीचेंगे, जो ऊंचा और नीचा जगह है वो प्लेन हो जाए। ये थोड़ा सा फेबिकी को मैंने और डाल दिया है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आटा और लगा दे रहा हूँ, आटा ख़त्म हो गया। देखिए इसे अच्छी तरह से मैं देखें
धक्का दे रहे हैं, उनकी मजबूती पर हमारा सब टिका हुआ है। देखिए वह हम कलर भी कब कर सकते हैं, हमने कलर नहीं किया है, चाहे तो आप कलर भी कर सकते हैं। मैं आपको वैसे ठीक है, मैंने कपड़ा नहीं दिखवाया जो मैंने आपको बहुत अच्छा आइडिया दिया है। आप जो बनाइएगा मेरा, इसे हम चेक करेंगे बैटरी की मदद से। ये तो बना रख देता हूँ, देख लेते हैं। देखिए मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ रेड वायर को, रेड वायर और ब्लैक वायर को, ब्लैक वायर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मोटर हमारा स्टार्ट हो गया। देखिए अच्छी तरीके से ऑटो को ये उड़ा दे रहा है। देखिए देख सकते हैं ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर नहीं लगा क्योंकि मैं लगा दे रहा हूँ, लगा मैं इसे सब में रख देता हूँ। थोड़ा सा आटा में और लगा देता हूँ। देखिए तैयार हो गया, पानी के पास ले जाता हूँ। हम आ गए पानी के पास, मैंने बगले में पानी ले रहा हूँ। यहाँ पर हम इसे चालू कर लिए, एक थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है, ये चालू हो गया। बैटरी तारा अच्छी तरीके से निकलता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।